दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है, ऐसे में सियासी गलियारों में तबाह तबाह की चर्चाएं भी चल रही हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने की बातें चल रही थी, लेकिन अब पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस तरह की बातों को खारिज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना अब नहीं है। देखिए, मैं ये बात स्पष्ट कर देता हूँ कि आने वाला दिल्ली चुनाव आम आदमी पार्टी अपने संगठन की ताकत और अपने राजनीतिक बलबूते पे लड़ेगी। किसी प्रकार का कोई गठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो खबरें हैं कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है, होने जा रहा है, अन्य प्रकार की खबरें, ये पूरी तरीके से निराधार हैं। आम आदमी पार्टी पिछले 3 दिल्ली चुनाव लगातार अपने बलबूते लड़ती आई है, जीतती आई है, सरकार बनाती आई है और सरकार चलाती आई है अपने बलबूते। चौथी बार भी वर्ष 2025 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी अपने काम की और अरविंद केजरीवाल जी के नाम की बदौलत चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। किसी प्रकार के गठबंधन की कोई गुंजाइश ही नहीं है।